गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण में क्या होने वाला है इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक आपके पास में एक कुंडली है, ये आपके पास में एक कुंडली है, और इस कुंडली में हमने क्या लगा दिया, एक सेल लगा दिया और धारा नियंत्रक लगा दिया, RH और एक सेल लगा दिया। ये पहली कुंडली हो गई जिसको हम प्रथम कुंडली या प्राथमिक कुंडली के नाम से जानेंगे। प्रथम कुंडली भी बोल सकते हैं या प्राथमिक कुंडली भी कह सकते हैं। ये पहली कुंडली हो गई। अब इसी के समीप एक और दूसरी कुंडली लेते हैं। ये हमने दूसरी कुंडली ले लिया। इस दूसरी कुंडली में हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें केवल धारा मापी लगा देंगे। हम क्या कर देंगे, हम धारा मापी लगा देंगे। इसको हम द्वितीय कुंडली कहेंगे या द्वितीयक कुंडली कहेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हैं, है ना। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक। दो कुंडली हैं, एक प्राथमिक कुंडली एक द्वितीयक कुंडली, ठीक है। अब करना क्या है देखिए जरा। अब हम क्या करने वाले हैं, इस प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, डेल आई करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं इसमें हम, डेल आई। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, ठीक है। अब जब इसमें या पहले अभी क्या कर दें हम, पहले अभी हम ये कर देते हैं कि अभी हम केवल धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, इस कुंडली के चारों ओर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और चूंकि इस कुंडली के बिल्कुल समीप में कौन स्थित है, द्वितीय कुंडली है, तो इससे जो संबंधित चुंबकीय फ्लक्स होगा, है ना, वो किससे संबंधित हो जाएगा, इस दूसरी वाली कुंडली से क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स कैसा हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। मतलब इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उससे चुंबकीय बल रेखाएं बनेगी। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और चुंबकीय फ्लक्स किससे जुड़ जाएगा, इस द्वितीयक वाली कुंडली से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, संबंधित हो जाएगा। तो धारा आपने किसमें प्रवाहित किया, पहली वाली में, और फ्लक्स किसमें उत्पन्न हो गया, दूसरी वाली कुंडली में क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। यहां तक बात समझ में आ रही सबके, समझ में आ रही बात, ठीक। तो याद रखिए, धारा हमने किसमें प्रवाहित किया, पहली वाली में। पहली वाली में धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, किस कुंडली के चारों ओर, पहली वाली के चारों ओर। और उसी पहली वाली के चारों ओर के जो चुंबकीय क्षेत्र, उसमें कौन रखी हुई है, दूसरी वाली कुंडली रखी हुई है, द्वितीय कुंडली रखी हुई है। तो जितना जो भी फ्लक्स यहाँ उत्पन्न होने वाला है, वो फ्लक्स कहाँ चला जाएगा, द्वितीय कुंडली में चला जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं फ्लक्स की जो बात करूंगा वो द्वितीय कुंडली के लिए बात करूंगा, ठीक। अच्छा, अभी तो केवल फ्लक्स आया, लेकिन फ्लक्स में विद्युत चुंबकीय, केवल फ्लक्स उत्पन्न हो जाने से विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है क्या, बोलिए, होती है, नहीं होती। क्या करना पड़ता है बताओ, क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए, क्या करना पड़ता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना पड़ता है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कब होगा, अब देखो, मैंने यहां पर धारा नियंत्रक लगाया हूं, धारा नियंत्रक लगाया हूं तो क्या होगा, यहां पर धारा के मान को क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। मतलब प्रवाहित धारा में क्या कर दीजिए, आप परिवर्तन कर दीजिए। प्रवाहित धारा में किसमें, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा में क्या कर देंगे, हम परिवर्तन कर देंगे। जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन कर देंगे तो द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। और जब द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा तो इसमें क्या बहने लगेगी, प्रेरित धारा क्या होने लगेगी, प्रवाहित होने लगेगी। और ये घटना क्या कहलाएगी, अन्योन्य प्रेरण कहलाएगी। अन्य का अन्य पर प्रभाव पड़ा। मैंने आपको उस दिन बताया था कि आपने, आप किसी फ्रेंड हैं, पहले फ्रेंड को आप बोलिए, दूसरे फ्रेंड क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, या गुस्सा, उसको गुस्सा आने लगता है कि मुझे, मेरे फ्रेंड को किसी ने क्यों ऐसा बोल दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्या हुआ। तो अब देखो, अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा क्या हुई, आप दिमाग में रखिए, फ्लक्स धारा प्रवाह में परिवर्तन आपने पहली वाली के किया है, और फ्लक्स में परिवर्तन किसके हुआ है, दूसरी वाली कुंडली के हुआ है, और उस दूसरी वाली कुंडली में क्या बह गई है, क्या प्रवाहित हो गई है, प्रेरित धारा क्या हो गई है, प्रवाहित हो गई है। तो यह घटना क्या कहलाएगी, अन्योन्य प्रेरण कहलाएगी। अब देखो परिभाषा सुनिए, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन किया जाता है तो समीप स्थित दूसरी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिससे उस कुंडली में
प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, यह घटना क्या कहलाती है? अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। कोई दिक्कत? बोलिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। परिवर्तन पहली में करना है, प्रभाव दूसरी में दिखेगा, है ना? परिवर्तन पहली में करना है, प्रभाव दूसरी में दिखेगा, और दूसरी में दिखेगा तो उसमें क्या बनने लगेगी? प्रेरित धारा बनने लगेगी। एक बार फिर से देखते हैं, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन किया जाता है तो समीप स्थित दूसरी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिससे उसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाती है। क्लियर दैट? ओके, कोई समस्या है? अन्योन्य प्रेरकत्व, या जब हमने अन्योन्य प्रेरण पढ़ा तो हमको क्या पढ़ना चाहिए? अब अन्योन्य प्रेरकत्व भी पढ़ना चाहिए, है ना? तो अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक ये हमको पढ़ना है ना? म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसी को क्या बोलते हैं? कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक। अब क्या हुआ? अब मुझे बताइए, जब आप यहां पर धारा प्रवाहित करते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। यदि आप यहां पर ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे तो यहां पर चुंबकीय फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? बोलिए, ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल, है ना? यदि आप यहां ज्यादा धारा प्रवाहित करते हैं, यानी यहां धारा के मान को बढ़ाते हैं, तो यहां से यानी प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान को क्या करते हैं? आप बढ़ाते हैं तो द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यदि आप कम करते हैं, यहां के धारा के मान को क्या करते हैं? कम करते हैं, तो यहां से संबंधित द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब चुंबकीय फ्लक्स किस पर निर्भर कर रहा है? किस पर निर्भर कर रहा है? धारा पर निर्भर कर रहा है। धारा बढ़ा रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है। धारा घटा रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्या हो रहा है? घट रहा है। दैट इज, चुंबकीय फ्लक्स जो है वो धारा की क्या होना चाहिए? बोलिए, अनुक्रमानुपाती होना चाहिए। बिल्कुल सीधी बात है, क्या होना चाहिए? अनुक्रमानुपाती होना चाहिए। लेकिन दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि हम अन्योन्य प्रेरकत्व पढ़ रहे हैं, तो धारा हम प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित करते हैं और चुंबकीय फ्लक्स किसका लेते हैं? किसका लेते हैं? दूसरी कुंडली का लेते हैं, द्वितीय कुंडली का लेते हैं। क्लियर दैट? एनी प्रॉब्लम? दिमाग में बैठ गया पूरा? ठीक। हाँ, तो वही बात लिख रहे हैं कि माना कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, कुंडली में प्रवाहित धारा आई तथा द्वितीयक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कितना हो? फाई हो, तब क्या होगा? बताइए, तब फाई इस प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? आई। एनी डाउट? बोलो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। है ना? फाई इस प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? आई हो गया। बिल्कुल सेम है, स्वप्रेरकत्व तो आपने जैसा पढ़ा था वैसा ही अन्योन्य प्रेरकत्व भी है, है ना? फाई इस प्रोपोर्शनल टू आई। अच्छा, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या करेंगे? बताइए, एक नीतांक लेंगे। वहां पर स्वप्रेरकत्व तो पढ़ रहे थे तो एल लिया था, यहां पर अन्योन्य प्रेरकत्व पढ़ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन, तो क्या लेंगे? एम लेंगे, एम आई। समझ गए? ठीक। जहां कैपिटल एम एक नियतांक है, जिसे, इसको समीकरण नंबर एक दीजिए, जिसे
दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं, या दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, है ना। दोनों बातें आप देखेंगे, ठीक। जहां एम एक नीतांक जिसे दोनों कुंडलियों के मध्य या दोनों कुंडलियों का भी ले सकते हो, दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। क्लियर है यहां तक सबको? बोलिए, है क्या समस्या? नहीं। और जब यहां फाइव इज इक्वल टू एम आई आ गया तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए? फाइव के अपॉन में आई आ जाएगा, है ना। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर कौन सा, दो दे देते हैं। और यदि अब देखो, यदि आई इज इक्वल टू कितना कर दीजिए, वन, आई इज इक्वल टू वन, तब क्या होगा बताइए? तब क्या होगा? यस, बिल्कुल, है ना। जब आप क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू वन करेंगे, तब एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, है ना। और जब एम इज इक्वल टू फाइव होगा तो लिख देते हैं एम इज इक्वल टू क्या आ गया, फाइव। मतलब ये हुआ कि अन्योन्य प्रेरकत्व जो है वो चुंबकीय फ्लक्स के क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। लेकिन कब कब हुआ, जब आपने धारा के मान को कितना किया है, एक किया है, धारा के मान को एक किया है, तब ऐसा हुआ है, है ना। तो हम फिर से परिभाषा बोलेंगे, क्या प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा या एकांक होने पर, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक होने पर द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का आंकिक मान दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है या अन्योन्य प्रेरकत्व के तुल्य होता है। समझ गए? धारा किसकी? प्राथमिक कुंडली की। फ्लक्स किसका? द्वितीय कुंडली का। दिमाग में बिठा लीजिए, धारा पहली की, फ्लक्स दूसरी का। ये डायग्राम दिमाग में बिठाइए, है ना। तो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स ही दोनों कुंडलियों के मध्य क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। क्लियर दैट? क्या लिखेंगे? अतः प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर द्वितीयक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का आंकिक मान दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। क्लियर है सबको? कहलाता है, राइट, है ना, के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है, या दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है, जो आपको पढ़ना चाहे। चलिए, ये तो बात ठीक है, आपने अभी धारा ही प्रवाहित की। अब क्या करना है हमको, क्या करना है? यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा में क्या कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए, तो द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, बोलिए, परिवर्तन होगा। और द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उस कुंडली में क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए कौन सा नियम लगाएंगे?
तो हम क्या बात क्या चर्चा कर रहे थे, हम क्या चर्चा कर रहे थे कि अब यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तब द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, फलस्वरूप उसमें क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया तो क्या लगाते हैं बताइए, क्या लगाएंगे, फैराडे का द्वितीय नियम लगाएंगे, यस आर नो बोलिए, कोई डाउट है ना। और ये मैंने लाइन कहां से लिखा हूं, ये लिखा हूं, जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन कर दिया जाए तब द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा, फलस्वरूप उसमें क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, है ना। अतः फैराडे के द्वितीय नियम से ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ई इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी टी, और फाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखी हुई है, कितनी रखी है, एम आई, ये हो जाएगा एम आई, आई आप क्या कर दीजिए, सॉरी एम क्या कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एम डी फाई, सॉरी डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा, राइट है, क्लियर। और फिर क्या करना है आपको, कि यदि फिर से वही कंडीशन कि यदि डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वन, तब डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वन करेंगे तो क्या आएगा, ई इज इक्वल टू माइनस कैपिटल एम आ जाएगा राइट। और यहां फिर हम क्या करेंगे परिभाषा, और फिर यहां एक और परिभाषा आएगी जो आप ही को बनाना होगा अब, है ना, क्या कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन की दर इकाई होने पर द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ही क्या कहलाता है, दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है, क्लियर। क्या धारा किसकी, प्राथमिक की, प्रेरित विद्युत वाहक बल किसका, किसका बोलो, द्वितीय कुंडली का। तो परिभाषा कैसी बनेगी, अतः प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन की दर इकाई होने पर द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के आंकिक मान को ही दोनों कुंडलियों का या दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं, क्लियर, ओके। ये आप लोग लिखेंगे आप, इसके पहले आप लोगों को मैं लिखा चुका हूं।
हाँ मात्रक लिख रहे हैं, एम इज इक्वल टू फाइव अपॉन आई, ये सूत्र आया था समीकरण नंबर दो में। फाइव का मात्रक फिर से क्या होगा? वेबर। धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। और वेबर प्रति एम्पियर क्या होगा? क्या होगा वेबर प्रति एम्पियर? हेनरी हो जाएगा। हो जाएगा हेनरी, ठीक है ना। हाँ और फिर एक हेनरी अन्य प्रेरकत्व को परिभाषित करना है आपको। एक हेनरी इज इक्वल टू हो जाएगा वन वेबर वेबर अपॉन वन एम्पियर हो जाएगा। और फिर हम यहां पर क्या करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे कि किसी किसी नहीं, कैसे होगी परिभाषा इसकी, बोलिए परिभाषा कैसी होगी? हाँ मैंने आप लोगों को चुंबकीय फ्लक्स, मैंने आप लोगों को प्रेरकत्व का विमीय सूत्र निकालने के लिए बताया था, एक भी व्यक्ति ने नहीं भेजा है ना, एक भी व्यक्ति ने नहीं भेजा है। प्रेरकत्व का विमीय सूत्र आप भेजेंगे निकाल कर कैसे भी करके, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर क्या होगा, परिभाषा कैसे बनेगी? प्राथमिक कुंडली में, किसमें? प्राथमिक कुंडली में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर द्वितीयक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स एक वेबर हो तो दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व एक हेनरी कहलाता है। क्या होगा बोलिए? अतः बोलते चलिए बोलो। करने पर द्वितीयक कुंडली से संबंधित विद्युत ने चुंबकीय फ्लक्स एक वेबर हो तो दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व एक हेनरी कहलाता है। राइट यस बन जाएगा। अतः प्राथमिक कुंडली में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स एक वेबर हो तो दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व एक हेनरी कहलाता है, ठीक है। इसका विमीय सूत्र आप लोग भेजेंगे, कैसे निकालना है? पहले फाई का निकालिए, आई का आपको मालूम है एम्पियर होता है तो ए लिखना पड़ेगा, फाई का निकालिए, फाई इज इक्वल टू बी ए होता है, बी इज इक्वल टू एफ अपान एम होता है, ये सब चीज़ें बता के हो चुकी है। आपको निकालना है, विमीय सूत्र याद नहीं कर सकते, आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक। चलिए